हेलो गायज़ ए के एन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ए टी वी सो गाय आज हम करने वाले हैं द फ्लैश का ट्रेलर ब्रेक डाउन होप करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा मैं तो इस ट्रेलर को देख के बहुत एक्साइटेड हूँ और देखते हैं कि आपका इसको लेके क्या रिएक्शन था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट भी डाला है अपने चैनल पर तो उस पर आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना उसके अंदर मैंने ऑडियंस से पूछा है कि जो मैं नया कॉन्टेंट बना रहा हूँ इस पर उनका क्या कहना है क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने प्राइट कॉन्टेंट से काफ़ी बड़ा शिफ्ट लिया है तो फिर देखते हैं कि वो कैसा होने वाला है और उसके अलावा देखते हैं गाइस ये ट्रेलर आपको कैसा लगा और उसका ब्रेकडाउन आप चालू करते हैं। तो थ्री टू वन लैस ट्रेलर शुरू होता है एक वॉकिंग शॉट के साथ जिसमें हम देख सकते हैं फ्लैश का कॉमिक एक्यूरेट सूट जो बहुत ऑसम दिख रहा है रेड और साथ में उसमें अंदर येलो एक्सेंट थी उसके अलावा हमें दिखता है काउल जो बैटमैन का हैं वो काफ़ी ब्लडी है हो सकता है किसी कोई डेड बैटमैन का हो उसके अलावा गायज हम देखते हैं कि एक फाइट सीन्स होते हैं काफ़ी सारे उसके अलावा ये शॉट मुझे लगता है स्पीड फोर्स का है जिसको बैरी चैनल कर रहा है ताकि वो टाइम लाइन में जा सके हम यहाँ को शॉर्ट्स देखते हैं उसकी उसकी महम के साथ जो इस टाइम लाइन में एक्चुअली ज़िंदा है फ्लैश पॉइंट की वजह से फिर ट्रेलर आगे पैन आउट होता है तो हम देख सकते हैं देखो ये छोटा बैरी है जो भाग रहा होता है उसके साथ में एक और बैरी और ये मुझे कन्फर्म नहीं शायद यूल हो सकता है हम यहाँ देखते हैं कि अपनी मोहम्म को काफ़ी मिस करता है और देखो गाइस जब भी स्पीड फोर्स का यूज़ करते हैं तो टाइम लाइन बहुत ज़्यादा वॉल्टायर हो जाती है उसके बाद शॉकिंग देखते हैं गाइस हम ट्रेलर में कि हमें दो दो बैटरी आयलन देखने को मिलते हैं मुझे लगता है कि जो येलो हुडी वाला है नॉर्मल टाइम लाइन का बैटरी आयलन है जिसका सुपर पावर्स नहीं है उसके बाद गाइस हम देखते हैं जब ट्रेलर और ज़्यादा पैन आउट होता है कि एक फ्रीक एक्सीडेंट में बैरी के अंदर स्लाइटिंग निकल के दूसरे बैरी को लग रही है तो इससे और गाइस ये है उसकी आइकॉनिक कॉस्ट्यूम पावर रिंग अगर आपको नहीं होता है कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कॉम्बॉक्स में बैरी सुपर रिंग का यूज़ करते हैं उसके अलावा वैसे ये सीन आपको याद होगा मैन ऑफ स्टील से है जिसके अंदर हम वापस देखते हैं लेजेंडरी जर्नर जनरल जॉर्ड की उसके अलावा गायज हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुपोषित सुपरकल देखने को मिलती है उसको येलो सन से दूर रखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई भी रहती है हम देखते हैं माइकल कीटन की फेमस बैट जो के जो एटीज़ के ज़माने की पूरी वाइब देती है और फिर हम देखते हैं फाइनल द रिटर्न ऑफ़ लेजेंड्री माइकल कीर्टन एज बैटमैन और यहाँ बोलते मैं बाईन एक बैट डायलॉग आई एम बैटमैन और बहुत अच्छी खासी फाइटिंग सीक्वेंस का भी एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है यहाँ पे हमें ट्रेलर में जो जहर सी बातें सीझी आई है क्योंकि माइकल कीर्टन की अब इतनी ये तो नहीं रही है पर बहुत औसन लगता है और अगर मैं भी बैरी होता मैं भाग लेता यहाँ पर हमें गैस डार्क नाइट जैसे बाइक देखने को मिलती है पर गारंटी नहीं है कि क्रिश्चन बेल हो सकते हैं हो सकता है बैन एफ्लिक की प्ले कर रहे हो उसके अलावा गैस यहाँ एक और बैटमैन हमें देखने को मिलता है और बैरी यहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ब्लैक कॉस्ट्यूम में केवल एक और वो है जूम जूम को आप सर्च कर सकते हो गाय तो फ्लैश के बहुत फेमस विलन में से एक है उसके अलावा गाय यहाँ पे ट्रेलर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं शॉर्ट्स के जैसे और यहाँ पे गाय बहुत औसम सीन है यहाँ बा... बा... जो अपने माइकल कीटन के बैटमैन वो कहते हैं बस मरने की कोशिश मत करना और मेरा मानना गया है जैसे सुपरगल कैप्टिविटी से बाहर आती है येलो सन से उसकी पावर एकदम एकदमस होती है और माइकल कीटन के बैटमैन को बचा लेती है उसके बाद यहाँ पे बताती है उसका नाम कारा है जो कॉमिक एक्यूरेटर फिर जाकर टाइटल फ्लैश आउट होता है फिर गाय उसके बाद हम देखते हैं कि फुल फ्लैश कॉस्ट्यूम में हम देखते हैं कारवा को यानी सुपर गर्ल को और दूसरा बैरियर उसकी पिक ले रहा है क्योंकि सिम्पिंग जिंदाबाद उसके अलावा फिर वो सराउंड बैरियर को तोड़ देती है और जो यहीं पर ट्रेलर ख़त्म हो जाता है लास्ट में हमें जो तीन पोस्टर देखने को मिलते हैं वही है